हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर ट्यूटोरियल ऑन पाई गेम। तो इस वीडियो में हम ऐड करेंगे स्कोर एंड हाई स्कोर को, तो हम देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने मेन फंक्शन में आएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं स्कोर, जिसको अभी तो हम ज़ीरो लिखेंगे, और जब गेम स्टार्ट होगा तो स्कोर जो है इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पर, स्पीड एक्सेलरेटिंग, और ये बुलियन वेरिएबल है कि यहाँ पे हम स्पीड को भी एक्सेलरेट करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो जब गेम स्टार्ट होगा तब यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, तो स्पीड हमारी और ज़्यादा फास्ट होने लगेगी, स्पीड जो हमारी गेम्स की स्पीड है। तो जब हमारा गेम स्टार्ट होगा तब यहाँ पे स्पीड जो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगी, और जो गेम्स की स्पीड है वो फास्ट होने लगेगी टाइम टू टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे हम जो है फिर से अपने नीचे लास्ट सेक्शन में आते हैं कोड के, और यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पे हम स्पीड को एक्सेलरेट करेंगे प्लस इक्वल्स टू और 0.001। तो जो स्पीड है हमारी वो हम इस स्पीड से, जो गेम की स्पीड है वो हम इस नंबर से एक्सेलरेट करेंगे, इससे इंक्रीमेंट करेंगे हर बार, क्योंकि हमारा जो है वाइल लूप में है और इन्फिनाइट लूप चलेगा ये जब तक कि गेम ऑन होगा। हर बार ये इंक्रीमेंट होता जाएगी स्पीड, और जो हमारी गेम की स्पीड है वो फास्ट होने लगेगी। और अब हम जो है स्कोर को इंक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कोर भी हमारा स्पीड के साथ इंक्रीमेंट होगा, स्पीडिंग अप स्कोर, और स्कोर प्लस इक्वल्स टू इंट ऑफ स्पीड। तो यहाँ पर स्कोर भी हमारा जो है इंक्रीमेंट होने लगेगा जब भी गेम स्टार्ट होगा, क्योंकि स्पीड हमारी सबसे पहले तो ज़ीरो रहेगी, तो जब हम स्पेस दबाते हैं तो हमारी स्पीड 5 हो जाती है, तो 5 टू प्लस प्लस होता रहेगा 5 पे, जो 0.001 है हर बार, तो ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो 5 रहेगी, आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले कर देते हैं स्कोर को, तो यहाँ पर मैं, और बस हमको जो हमने फंक्शन बनाया था उसको बस कॉल करना है। तो पहला आर्ग्यूमेंट हमने दिया था जो टेक्स्ट हमको शो करना है, तो यहाँ पर हम स्कोर लिख देते हैं। और इसके बाद हमको कलर देना था, तो मैं ब्लैक कलर यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर जो हम कलर की वैल्यू RGB वैल्यू थी, कलर्स में मैं एक ब्लैक वेरिएबल बना लेता हूँ, और जो ब्लैक की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, 0 और 0। इसके बाद हम जो है कोऑर्डिनेट्स देंगे, तो यहाँ पे मैं 10, 40 दे देता हूँ, और यहाँ पे साइज़ मैं 20 दे देता हूँ, और स्टाइल यहाँ पे अगला है आर्ग्यूमेंट। तो स्टाइल में मैं क्या करूँगा कि अपना वर्ड पैड खोलूँगा, और ये जो इतनी सारी जो हमारी स्टाइल है इसे यहाँ से कोई भी कॉपी कर लीजिए आप, बस जैसे कि मैं सबसे पहले वाली कोई कॉपी कर लेता हूँ। और एक और हम जो है स्क्रीन टेक्स्ट डिस्प्ले कराएंगे, वो है बास्केट का स्कोर, जो भी हमारी बास्केट पे जाएगी, तो हम यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे और सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे बास्केट स्कोर, और यहाँ पर भी हम बास्केट स्कोर को दे देते हैं बास्केट स्कोर। तो ये जो बास्केट स्कोर है वो 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम इसको 100 कर देते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा तो ज़्यादा बास्केट स्कोर इंक्रीमेंट होंगे। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, तो हमारा जो बास्केट जो स्कोर है वो ओवरलैप हो गया, तो मैंने कोऑर्डिनेट नहीं बदले थे, तो सिंपली हम यहाँ पर दूसरे कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, तो यहाँ पर मैं 10 कोऑर्डिनेट दे देता हूँ, और ये बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे स्कोर जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं बास्केट में डालने की कोशिश करता हूँ, तो बास्केट स्कोर शायद इंक्रीमेंट हो। ओके, देखा आपने 300 हो गया, और तो अब हम यहाँ पर हाई स्कोर को ऐड करेंगे, कि जब भी कोई हाई स्कोर बने तो वो हाई स्कोर हम जो है उसको सेव कर लें। तो जब भी स्कोर जो है हाई स्कोर को क्रॉस कर जाएगा तो स्कोर हमारा हाई स्कोर हो जाएगा, और स्कोर भी हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं इसका, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि सबसे ऊपर जाएंगे, और जहाँ फंक्शन हम लिख रहे थे वहीं पे हम लिखेंगे, इससे थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा, हम कहीं भी फंक्शन नहीं लिखें तो हमको थोड़ा रीड करने में कोड आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक गेट हाई स्कोर का फंक्शन बना लेता हूँ, गेट हाई स्कोर, और इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा स्कोर होगा सबसे पहले तो हम वहाँ से रिट्रीव करेंगे डेटा को, कि हमारा क्या है स्कोर करेंटली। तो विथ ओपन, तो यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देते हैं, अभी हमने बनाया नहीं है, वो क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी हम, अब मैं बताता हूँ आपको कि वो कैसे, हाई स्कोर डॉट TXT, तो हम यहाँ पे लास्ट में टी एक्सटेंशन भी दे देंगे,
और उसके बाद हम आर रीड मोड में खोलेंगे इसको एज एफ पॉइंटर के। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन में सिंपली रिटर्न कर देंगे एफ डॉट रीड। तो ये जो है ये फंक्शन है यहाँ पे फाइल आयो का, जिससे कि ये रीड करेगा जो भी हमारा हाई स्कोर होगा। तो हम मेन फंक्शन में जाते हैं और एक हाई स्कोर का वेरिएबल बना लेते हैं, जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राई लगाएंगे, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी फाइल तो हम उसको सिंपली हाई स्कोर को 0 दे देंगे। ओके, तो हाई स्कोर हमारा क्या है यहाँ पे, एच आई जी एच ई एस टी, आई होप की स्पेलिंग सही हो, और हाई स्कोर इक्वल्स टू, और सबसे पहले तो हम इंट पे टाइप कास्ट करेंगे और गेट हाईएस्ट स्कोर, और हाई स्कोर को हम कॉल करेंगे यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वैल्यू। और अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है तो एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में क्या करेंगे कि सिंपली हाई स्कोर जो हमारा है उसको 0 कर देंगे। तो अब हम चेक करते हैं कि हाई स्कोर जो है स्कोर से बड़ा है कि नहीं, तब हम जाकर हाई स्कोर को रिप्लेस कर देंगे स्कोर से। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ चेकिंग एच आई जी एच ई एस टी हाईएस्ट स्कोर, और इसमें क्या करेंगे हम सिंपली इफ हाईएस्ट स्कोर लेस देन स्कोर, अगर स्कोर से लेस देन हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि हाईएस्ट स्कोर हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू स्कोर। ओके, और उसके बाद हम इसको राइट भी करेंगे कि हमारा, इसको सेव कर देंगे कि जितना हमारा हाईएस्ट स्कोर बनेगा उसको हम एक फाइल पे सेव कर देंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे ये करेंगे कि जो हमारी फाइल थी उसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये थी हमारी फाइल, और उसके बाद हम यहाँ पर राइट मोड से इसको ओपन करेंगे एज एफ। ओके, और इसमें सिंपली एफ डॉट राइट कर देंगे एस टी आर में टाइप कास्ट करके हाईएस्ट स्कोर को सिंपली हम यहाँ पर राइट कर देंगे, अगर ये ऐसा होता है तो। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर को प्रिंट भी कराएंगे स्क्रीन पे। तो सिंपली हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं विथ ओपन के बाहर। तो और यहाँ पे इसको चेंज करके, और वेरिएबल को भी हम चेंज कर देंगे हाई स्कोर से ब्लैक या हम रेड कर देते हैं, क्योंकि ये इसको अलग दिखना चाहिए। तो हम इसका कोऑर्डिनेट देंगे राइट कॉर्नर, राइट पे रखेंगे कॉर्नर साइड पे। तो हम सिंपली इसका जो है कोऑर्डिनेट दे देते हैं विड्थ -200, जो कि राइट साइड से हम विड्थ -200 करेंगे, और इसके बाद 10 हमारा ओके रहेगा। और उसके बाद और साइज़ को हम 14 कर देते हैं, और सिंपली हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा हाई स्कोर भी आ रहा है, और जैसा कि हमने, हमारे पास अभी तक नहीं था हाई स्कोर, और जैसे कि हाई स्कोर भी हमारा अभी स्कोर के साथ चल रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर गेम ओवर हो चुका है हमारा, और हमारा स्कोर ये रहा, हमारा स्कोर है 1910। तो यहाँ पे एक फाइल बन गई होगी, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो एक हाई स्कोर की TXT फाइल बन गई है, और वहाँ पर अगर हम जाकर देखते हैं तो वही स्कोर है जो भी हमारा। तो ये स्कोर जो है हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इसके बाद अगर रन करते हैं तो हमारा जो हाई स्कोर है वो दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे 1910 दिखा रहा है। अब ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, तब इंक्रीमेंट करेगा जब यहाँ पर हाई स्कोर जो है, सॉरी स्कोर जो है हाई स्कोर से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि इस बार स्कोर बड़ा हो गया और 2180 हो गया, तो हाई स्कोर भी इंक्रीमेंट होने लगा। तो मैं अब ट्राई करता हूँ कुछ बड़े स्कोर की, तो आप भी ट्राई करिए अगर आप ये गेम खेल रहे हैं तो। तो अभी मैंने यहाँ पर जो बास्केट स्कोर है वो ऐड नहीं कराया है स्कोर पे, तो इसको अलग ही रहने देते हैं कि हमारा जो बास्केट स्कोर है वो अलग रहे और स्कोर पे इंक्रीमेंट ना हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखती रहना है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम अगले वीडियो में साउंड को ऐड करेंगे और हमारा गेम जो है तैयार हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली।